रामपुर से, जहां बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत इंदरपुर खौरी के बहुचर्चित शासकीय जमीन घोटाले के मामले में आज पुलिस ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस ने कांग्रेसी नेता और रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह के विधायक प्रतिनिधि व्यास मुनि यादव को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गौरतलब बात यहाँ ये भी है कि ग्राम इंदरपुर खौरी में साल 2015 में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें 2070 एकड़ शासकीय जमीन का फर्जी पट्टा बनाकर बेच देने का मामला भी सामने आया था और इस प्रकरण में 34 लोगों के ऊपर अपराध दर्ज किया गया था और जांच में पता चला था कि आरोपियों ने रायपुर की एक कंपनी को इस 270 एकड़ जमीन को 1,18,00,000 में बेच दिया था। आरोपियों ने बड़े ही होशियारी से शासकीय रिकॉर्ड में हेरफेर करते हुए जमीन को सन 1970-71 में रायपुर की कंपनी के नाम रजिस्ट्री भी करा दिया था। शिकायत मिलने के बाद मामले में काफी हाई प्रोफाइल लोगों के जुड़े होने के कारण सरगुजा कमिश्नर ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और इस मामले में सभी रिकॉर्ड गलत पाए जाने के बाद न सिर्फ रजिस्ट्री को कैंसिल किया गया बल्कि प्रशासन ने उस जमीन पर अधिग्रहण भी कर लिया है। व्यास मुनि यादव जी को वहां से कुछ पुलिस वालों ने अरेस्ट कर रहे थे तो मेरे को जैसी जानकारी हुआ तो मैं गाँव वालों को सूचना किया और जिनके जिनके नाम से काबिज हैं जमीन उन व्यक्ति सब आए हैं और हम लोग इसी उम्मीद से आए हैं कि उनके ऊपर जो उचित कार्रवाई हो और हम लोग को जमीन मिल सके। कुछ किसानों के जो नाम आए हैं जिनके नाम से जमीन बनाई गई है वो नाम यहाँ के नहीं है, ये झारखंड राज्य के हैं। अभी उनको पतासाजी की जा रही है, वो भी इस प्रकरण में आरोपी है। आज पहली आरोपी की गिरफ्तारी व्यास मुनि यादव की हुई है, उसे गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश कर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता सुनील पासवान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, सरकारी जमीन को बेच दिया गया लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि इस हाई प्रोफाइल मामले के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन? जी, मैं बताना चाहूंगा इस मामले में विधायक प्रतिनिधि व्यास मुनि यादव गिरफ्तार किए गए हैं। इंदरपुर खोरी के 2015 में शिकायत दर्ज हुई थी जो की 270 एकड़ जमीन की फर्जी पट्टा बनाकर किया गया था। इसमें 34 लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज भी किया गया है और इसमें हाई प्रोफाइल लोग इसके सामने आ रहे हैं जो जिसकी जांच की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक्सप्रेस स्पेशल में इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।